हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB TGT के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रॉपर क्रम में सब राइटर्स को करते हुए चल रहे हैं। हर एक राइटर की हम बायोग्राफी, उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, देन उनके जो इम्पोर्टेंट MCQs हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है जॉन डन। ठीक है, जॉन डन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं। ठीक है, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में देखेंगे, और देन हम कुछ MCQs भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जॉन डन, अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या है, ये एक मेटाफिजिकल पोएट है। ही इज नन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स। ठीक है, आगे जॉन डन 1572 टू 1631, मतलब इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1572 से लेकर 1631 तक रहता है, ये ध्यान रखना है। लंदन में इनका जन्म होता है। वॉज एन इंग्लिश पोएट, सैटरिस्ट एंड एंग्लिकन प्रिस्ट। ठीक है, तो इनके प्रोफेशन आप देख सकते हो क्या क्या है। इंग्लिश पोएट थे, सैटराइज्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा सटायर किया है इन्होंने अपनी पोएम्स में, एंड एंग्लिकन प्रिस्ट। हिज लाइफ वॉज मार्क्ड बाय टर्मोइल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिटरेरी जीनियस। तो चलिए शुरू करते हैं अर्ली लाइफ से, इनके शुरुआती जीवन से। बॉर्न इन लंदन टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म होता है। कब जन्म होता है, तो 1572 में होता है। अगर डेट भी आपको मेंशन करनी है तो आप डेट लिख सकते हो 22 जनवरी। ठीक है, 22 जैन में, 1572 में इनका जन्म लंदन में एक रोमन कैथोलिक फैमिली में होता है। रोमन कैथोलिक फैमिली में होने की वजह से ही इन्हें, जैसे ये ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, ठीक है, हार्ट हॉल जो कॉलेज है उससे ये ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज होता है हर्टफोर्ड कॉलेज, तो वहाँ से इन्हें डिग्री भी नहीं दी जाती। किस लिए नहीं दी जाती, क्योंकि इन्होंने ओथ ऑफ सुप्रीमेसी नहीं ली होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। तो कैथोलिक फैमिली ऐसा रीजन क्यों है यहाँ पर, ये वजह इसलिए है कि जो कैथोलिक उस टाइम पे, उस समय पर, जिस समय पर इनका जन्म हुआ, वहां पर इंग्लैंड में कैथोलिज्म का विरोध किया जा रहा था उस समय पर। ठीक है, तो इसलिए जब इनका जन्म कैथोलिक फैमिली में होता है तो इनको भी बॉयकॉट किया जाता है। फादर ऑल्सो जॉन डन सीनियर। देखिए, इनके फादर का नेम भी जॉन डन है, तो इसलिए मतलब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सीनियर एड ऑन कर दिया गया इनके फादर के नेम के साथ। तो इनके फादर का नाम क्या है, ध्यान रखना है, जॉन डन सीनियर है। वॉज एन आयरन मॉन्गर, जो आयरन मॉन्गर होते हैं। एंड मदर, मदर कौन है, एलिजाबेथ हेवुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको भी ध्यान रखना है। एलिजाबेथ हेवुड वॉज फ्रॉम अ प्रोमिनेंट कैथोलिक फैमिली, जो बिलोंग करती थी एक प्रोमिनेंट कैथोलिक फैमिली से। जैसे कि आप जानती हैं, एलिजाबेथ हेवुड जो होती हैं, ये बेटी होती हैं जॉन हेवुड की, ध्यान रखना है, जॉन हेवुड की ये डॉटर होती हैं। और जॉन डन के फादर की मृत्यु, जो जॉन डन सीनियर होते हैं, इनकी मृत्यु 1576 में हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में जो हमारी एलिजाबेथ हेवुड थी, जो जॉन हेवुड की मतलब डॉटर होती हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, थॉमस मूर की ग्रेट नीस भी हैं, नीस भी थी। ठीक है, तो थॉमस मूर से भी रिलेटेड थी, जिन्होंने उटोपिया लिखा था, उटोपिया वर्क। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या करती हैं, जब 1576 में जॉन डन सीनियर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में एलिजाबेथ शादी करती हैं, दूसरी शादी करती हैं, ये किससे करती हैं वो भी ध्यान रखना है। उनका नाम है डॉक्टर जॉन साइमिंग्स। ठीक है, इनसे ये शादी कर लेती हैं। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे उस समय के, अ वेल्दी विडोअर थे जिनके पहले से 3 बच्चे होते हैं। और जॉन डन कितने सिबलिंग्स होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। जॉन डन जो थे, मतलब ये टोटल 6 सिबलिंग्स थे, जिनमें से जॉन डन जो थे वो 3rd थे। ठीक है, तो जब जॉन डन सीनियर की मृत्यु होती है, उसके बाद जो एलिजाबेथ हेवुड होती हैं वो डॉक्टर जॉन साइमिंग्स से शादी कर लेती हैं, और इनके भी 3 बच्चे पहले से होते हैं जॉन साइमिंग्स के। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में जाननी है।
तो आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है ट्रेवल टू इटली एंड स्पेन कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। तो जैसे कि हमने देखा कि कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ, लेकिन बाद में एंग्लिकन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं और इटली और स्पेन में ट्रैवल भी करते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अब इनकी एजुकेशन के बारे में देखते हैं। एजुकेशन, जैसे कि हमने जाना, एजुकेटेड एट हार्ट हॉल। हार्ट हॉल उस समय पर हार्ट हॉल नामक होता था ये कॉलेज, और एट प्रेजेंट हर्टफोर्ड कॉलेज है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर ये एजुकेशन लेते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ स्टडीज देयर डन वॉज एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसके बाद में ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन लेते हैं 3 साल यहाँ स्टडी करने के बाद में। वेर ए स्टडी फॉर अनदर 3 ईयर्स, और फिर आगे 3 ईयर्स के लिए ये और स्टडी करते हैं। लेकिन क्या होता है, इनको कोई भी डिग्री नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि हमने देखा कि ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। डन कुड नॉट गेट अ डिग्री फ्रॉम ईदर इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ हिज कैथोलिज्म। उनके कैथोलिज्म के चलते इनको कोई भी डिग्री से सम्मानित नहीं किया जाता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे मेंशन करनी है, क्योंकि ये मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने से। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने से ये इनकार कर देते हैं, ठीक है। अब ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी क्या है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि उस समय पर इंग्लैंड में क्या होता था कि जो वहां के प्रिंस या फिर किंग होते थे, उनकी उनको मतलब एज अ किंग मानना पड़ता था, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था उनकी सारी चीजों को, तभी वहां की जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो उनको अवेलेबल होती थी, ठीक है। तो जो भी पर्सन जो कैथोलिक रिलीजन से रिलेटेड थे उनको रिक्वायर्ड थे, ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो स्वेयर अलाइंस टू द मोनार्क, वो मोनार्क की जो मतलब उनको सर्वश्रेष्ठ माने, उनकी जो सुप्रीमेसी है उसको वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इनको ये डिग्री नहीं मिलती है। आगे चलते हैं, देखिए करियर के बारे में अगर हम बात करें, तो बाय द एज ऑफ 25 ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द डिप्लोमेटिक करियर, ठीक है। वो मतलब फुल्ली अपने लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं एक डिप्लोमेटिक करियर के लिए। मतलब एज अ राइटर इनका करियर की शुरुआत नहीं होती, ये डिप्लोमेटिक करियर से ही अपियर टू बी सीकिंग अराउंड 1597, ठीक है। 1597 के टाइम पे क्या होता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी टू लॉर्ड कीपर, ठीक है। तो ये चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं लॉर्ड कीपर के, द ग्रेट सोल। और उनका नाम क्या होता है, जहां पर ये वर्क करते हैं उनका नाम होता है सर थॉमस एगर्टन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मेंशन करके रखना है। सर थॉमस एगर्टन के यहाँ पर ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो थॉमस एगर्टन की एक नीस होती है जिनका नाम होता है एना, ठीक है, एना मोर। एना मूर जो होती हैं वो थॉमस एगर्टन की नीस होती हैं, ठीक है, उनकी भतीजी होती हैं। अब जैसे ही यहाँ पे वर्क करते हैं थॉमस एगर्टन के यहाँ पे, तो ये एना मूर के प्यार में पड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, और ये सीक्रेटली मैरिड शादी भी कर लेते हैं, है ना। जस्ट फ्रो इनकी शादी कब होती है, तो ये भी ध्यान रखना है, जस्ट बिफोर क्रिसमस इन 1601, ठीक है। क्रिसमस से पहले 1601 में ये मतलब चुपचाप चुपके से शादी भी कर लेते हैं एना मूर से। देन और मतलब इसे इसके बारे में जानकारी ना तो एना के फादर को होती है ना ही एगर्टन को होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जॉन डन का करियर पूरी तरीके से यहाँ पर रियून हो जाता है। दिस वेडिंग रियून डन्स करियर, गेटिंग हिम डिसमिस्ड, उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, ठीक है। एज अ सेक्रेटरी जो अपॉइंट किया था उन्होंने, तो वहां से उन्हें हटा दिया जाता है एंड उनको फ्लीट प्रिजन में डाल दिया जाता है। ये भी चीज यहाँ पे ही मेंशन करनी है आपको, फ्लीट प्रिजन, उनको जेल भेज दिया जाता है धोखेबाजी के उसमें, ठीक है। फ्लीट प्रिजन में डाल दिया जाता है, जहां पर अलोंग विद द चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रेस्ट सैमुअल ब्रूक भी होते हैं जहां पर, ठीक है। सैमुअल ब्रूक भी उसी प्रिजन में होते हैं, तो वहां पे इन्हें भी डाल दिया जाता है फ्लीट प्रिजन में। तो उसके बाद में ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं मैरिज को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो इनके करियर का अगर हम इसमें देखें, ऑर्डिनेट एंग्लिकन प्रेस्ट 1615, बिकम चैपलिन्स ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, उसके बाद में किंग जेम्स फर्स्ट के चैपलिन भी बनते हैं, उसके बाद में डिलीवर्ड सरमन टू लिंकन्स इन एंड सेंट पॉल्स कैथेड्रल, ठीक है, उसके बाद में ये जगह जगह जाकर अपने सरमन्स, अपने विचार उपदेश प्रदान करते हैं, जैसे लिंकन्स इन इनमें अपने उपदेश देते हैं, उसके बाद सेंट पॉल कैथेड्रल में भी ये उपदेश देते हैं। रोट डिवोशंस अपॉन एमिग्रेंट ओकेजन 1624 ड्यूरिंग अ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इनके करियर के बारे में ध्यान रखनी है, जो ऑरली जो चीजें मैंने आपको बताई वो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है, ठीक है। 1602 में क्या करते हैं ये, शी वॉज सॉरी जॉन डन वॉज इलेक्टेड एज एमपी, ये भी करियर के बारे में ये चीज ध्यान रखनी है। 1602 में, जैसे 1601 में इन्होंने शादी की थी, ठीक है, उसके बाद ये जेल गए, जेल से आने के बाद में जब सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो देन 1602 में ही वॉज इलेक्टेड एज एमपी, एमपी ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट द पोस्ट वॉज नॉट अ पेड पोजिशन, ये भी ध्यान रखना कि वो पोस्ट जो है पेड पोजिशन की नहीं होती है, बाय किंग जेम्स फोर्थ, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किंग जेम्स फोर्थ के द्वारा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, देखिए लिटरेरी करियर की अगर हम बात करें, हिज अर्ली करियर वॉज नॉटेबल फॉर हिज इरोटिक पोएट्री। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मेंशन करनी, ध्यान रखनी है स्पेशली, कि शुरुआत में क्या था कि जॉन डन जो थे इनकी विचारधारा कुछ अलग तरीके की थी, ये बहुत ज्यादा इरोटिक पोएट्री लिखा करते थे, ठीक है, शुरुआती जब इनका लिटरेरी करियर की शुरुआत थी, ठीक है, स्पेशली हिज इलेजीज, अपनी जो इलेजीज है उनमें, मतलब इनकी जो इलेजीज है उसमें हम ये चीज देख भी सकते हैं, इन विच ही एम्प्लॉयड अनकन्वेंशनल मेटाफर्स सच एज, देखिए ये वाला इनका वर्क आप देखोगे बहुत ही ज्यादा इरोटिक थीम्स थीम के पोएम्स की, जैसे अ फ्ली बाइटिंग टू लवर्स बीइंग कंपेयर्ड टू सेक्स, तो ये मतलब इस तरीके की थीम पर ये अपने वर्क्स लिखा करते थे, ठीक। उसके बाद में ही इज नन फॉर यूज ऑफ कंसीट, इनको किस चीज के लिए ज्यादा जाना जाता है, तो इन्हें कंसीट यूज करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब फेमस है इस चीज के लिए, ठीक है। रोड सटायर, इलेजीज, लव पोएम्स, शोकेसिंग मेटाफिजिकल स्टाइल, और क्या क्या इन्होंने सटायर बहुत ज्यादा लिखे हैं, इलेजीज लिखी हैं, लव पोएम्स लिखी हैं, शोकेसिंग मेटाफिजिकल स्टाइल, और ये सब क्या रिप्रेजेंट करती है, इनके मेटाफिजिकल स्टाइल को रिप्रेजेंट करती हैं। आगे, डन डिड नॉट पब्लिश दीज पोएम्स ऑल दो दिस सर्कुलेटेड वाइडली इन मनुस्क्रिप्ट फॉर्म। ये चीज देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नोट डाउन करके लिख सकते हो आप, नोट बना के लिख लीजिए कि इनका इनके जो वर्क्स थे ना, मोस्ट ऑफ द वर्क्स इनके पोस्थमसली पब्लिश हुए हैं, ठीक है, इनके जीते जी इनके वर्क्स को पब्लिश नहीं किया गया था, 1633 से इनके वर्क्स पब्लिश होने शुरू हुए, ठीक है, 1633 से, जबकि इनकी मृत्यु कब हो जाती है तो वो भी आपको ध्यान रखना है, 31 मार्च 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में पॉस्थमसली इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो पब्लिश हुए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि डन डिड नॉट पब्लिश दीज पोएम्स, इन्होंने जो इरोटिक पोएम्स वगैरह लिखी थी ना शुरुआत में वो इन्होंने पब्लिश नहीं कराई थी, लेकिन इनके जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं, या फिर कहें हैंड रिटन जो उनकी पोएम्स थी, उनके लेख थे, वो वैसे ही सर्कुलेट हो गए थे, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट ही सर्कुलेट हो गई थी, पब्लिश नहीं कराया था इन्होंने कहीं भी, ठीक है। हिज लेटर पोएम्स आर मोर सोम्बर एंड पायस, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि ये इरोटिक पोएट्री पर वर्क कर रहे थे, लेकिन इनके जो बाद वाले वर्क्स हैं, ठीक है, बाद में इन द सेंस मतलब इनकी शादी के बाद वाले वर्क्स जो हैं, तो वो वर्क्स ज्यादा ही सोम्बर और पायस, उनमें ज्यादा पवित्रता शुद्धता हमें देखने को मिलती है, जैसे कि द चेंज कैन बी क्लियरली सीन, ये जो चेंज हुआ वो हम देख सकते हैं इनके एक वर्क एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड में, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आप देख सकते हो उस चीज को, ठीक है। अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स, ये मैंने जो इनके वर्क्स की लिस्ट ली है वो एक एल्टी ग्रेड वाली बुक है, उससे मैंने ये लिस्ट ली है, तो ध्यान रखना है, हालांकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इनके वर्क्स के बारे में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो ये मैंने लिस्ट मैंने आपको बता दिया है कि उस बुक से ली है जो सुधीर के अरोड़ा वाली बुक है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क्स है देखिए, पहला है सूडो मार्टियर, ये इनकी प्रोज ट्रेटाइज है, आगे है इग्नेटियस
हिज कॉन्क्लेव है एंड एनाटोमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका एनाटोमी ऑफ द वर्ल्ड. देन प्रोग्रेस ऑफ सोल, डिवोशन अपॉन इमरजेंट ऑकेजन्स, देन बायथेनाटोस प्रोज वर्क है विच वॉज पब्लिश्ड पॉस्थमसली. एक मतलब प्रोज वर्क है स्पेशली, जो नोट डाउन करके स्पेशली कहा गया है कि ये प्रोज वर्क है, उनको आपको मेंशन कर लेना है, इनको इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो कि ये प्रोज वर्क है. डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है कि इनका प्रोज वर्क कौन सा है, इनकी पोएट्री कौन सी है, इस तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पे बायथेनाटोस ये भी प्रोज वर्क है और पॉस्थमसली पब्लिश हुआ, वेरी फेमस वर्क होली सोनेट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जो जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको एब्सोल्युटली उनको देखना ही देखना है. सटायर एंड एलेजी, डिवाइन पोएम्स, डेथ ड्यूअल, फ्यूनरल सरमन, है ना, गुड मोरो, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है गुड मोरो. आगे चलते हैं, और कौन से वर्क्स हैं इनके, जॉन डन के, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. अब देखिए इसके नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जॉन डन जो थे इनकी एक हैबिट थी, ये भी आर्काइव वर्ड्स का यूज करते थे. जैसे कि हमने एडमंड स्पेंसर के बारे में पढ़ा था, जैसे कि एडमंड स्पेंसर का पहला वर्क शेफर्ड कैलेंडर था, उसकी स्पेल आप देख के कंफ्यूज होते हैं, उसी तरीके से यहाँ गो में मतलब एक्स्ट्रा ई लगाने की आदत थी इन्हें, बहुत सारे वर्क्स में इन्होंने एक्स्ट्रा ई लगाया है, जिसके लिए इन्हें बेन जॉनसन ने क्रिटिसाइज भी किया है. आप देखोगे वो क्योंकि एक्सेंट में क्या है प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बेन जॉनसन ने इनको इसी चीज के लिए क्रिटिसाइज भी किया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. बेन जॉनसन क्या कहते हैं इनके बारे में, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व हैंगिंग, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज किया. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एडमंड स्पेंसर भी या फिर जॉन डन भी, ये सब प्राचीन काल में जो प्राचीन जो वर्ड्स चलते थे, आर्काइव वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं, उनका ही यूज करते थे, या ओवरफ्लूअस स्पेलिंग ई का यूज कर देना, वो सब करते थे. जैसे द सन राइजिंग आप देख सकते हो स्पेल, ठीक है. आगे चलते हैं, कैनोनाइजेशन, ठीक है, कई जगह पर यहाँ पर जेड भी देखने को मिलेगा आपको, कई जगह पर एस भी, तो दोनों ही स्पेल सही हैं, आप देख सकते हो. कैनोनाइजेशन, अ बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, देखिए ये दोनों, एक तो ये वाली पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, कैनोनाइजेशन, बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है. द फ्ली भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है. ट्विंकनम गार्डन, देन है एक्सटेसीज, रेलिक्यू, ऑन हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, ये भी, डेथ बी नॉट प्राउड, इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है. बेटर माई हर्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो ये इनके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है, आप नोट डाउन करके रख सकते हो. आगे चलते हैं, अगर इनके लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है मेटाफिजिकल पोएट्री, इनका जो स्टाइल रहा है वो मेटाफिजिकल ही रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो, मेटाफिजिकल पोएट्री कैरेक्टराइज बाई कॉम्प्लेक्स मेटाफर, इंटेलेक्चुअलिज्म एंड इमोशनल इंटेंसिटी. इनके जो वर्क्स हैं ना, इनके इनके एक पोएम भी आप पढ़ोगे उससे ही आप रिलेट कर पाओगे कि ये किस तरीके के डीप थॉट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पोएम्स को लिखते थे, ठीक है. तो वहीं से आप देख सकते हो कैरेक्टराइज इसलिए किया गया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स का यूज़ किया है, ठीक है. और इंटेलेक्चुअलिज्म इनकी पोएम्स से हमें देखने को मिलता है, इमोशनल इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है. आगे चलते हैं, सिंबलिज्म. सिंबलिज्म देखें तो क्या क्या चीज़ें सिंबलाइज की हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड सिंबल्स, मतलब अपनी पोएम्स में ना ज़्यादातर इन्होंने सिंबल्स का यूज़ किया है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादातर सिंबल्स का यूज़ किया है, जैसे सच एज सन, मून, फ्ली, टू कन्वे डीपर मीनिंग को कन्वे करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का ये इस्तेमाल करते हैं. विट, डिस्प्लेड, क्लैमर, वर्ड प्ले, पन एंड पैराडॉक्स, इनकी जो लाइन्स हैं ना वो मतलब डीप थिंकिंग वाली हैं, ठीक है. मतलब उसमें ना क्लेवर थॉट हमें देखने को मिलता है, या फिर किसी ना किसी चीज़ का सटायर कर रहे होते हैं, ये पन मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है, पैराडॉक्स देखने को मिलता है. तो ये सब चीज़ें मतलब जो क्लेवरनेस देखने को मिलती है एक एक टाइप की, वो इनकी पोएम्स में है. तो ये इनका स्टाइल था. आगे चलते हैं इनकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे. कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट, जितने भी महान मेटाफिजिकल पोएट्स हुए उनमें से एक, पियोनियर्ड द यूज ऑफ साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री. पियोनियर मतलब जो शुरुआत करता है किसी चीज की, ठीक है. तो शुरुआत किस चीज की है इन्होंने, एक तो साइंटिफिक और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, मतलब पोएट्री में साइंटिफिक और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने की शुरुआत इनसे होती है,
ठीक, रिमेन्स अ सेलिब्रेटेड फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर रिवर्ड फॉर हिज इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक जीनियस। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, आगे चलते हैं। देखिए कुछ क्रिटिकल कमेंट्स हैं वो भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द पेन जॉनसन, जैसे कि हमने बात की कि इन ये जो आर्काइव वर्ड्स का यूज करते थे उससे हमने देखा कि बेन जॉनसन ने इन्हें क्रिटिसाइज किया है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि क्या स्टेटमेंट रही बेन जॉनसन की, तो ध्यान रखना है डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व हैंगिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है, किसके लिए कहा है, जॉन डन के लिए, जैसे नाम ही आ रहा है ठीक है, तो उससे भी आप पहचान पाओगे जॉन डन के लिए ये स्टेटमेंट इन्होंने कही। आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, ड्राइडन ने इनके बारे में क्या कहा, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, मतलब शुरुआत इनको मेटाफिजिकल पोएट कब से कहा जाने लगा, जब से ड्राइडन ने इनको ये चीज कही, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर बट इन हिज अमोरस वर्सेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। जैसे कि मैंने जिक्र किया ही कि एना मोर से इनकी शादी होती है, वो भी एगर्टन की भतीजी होती हैं, और ये चोरी छुपे शादी कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें जेल भी जाना पड़ता है, और इनका ये जिस सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं वहाँ से भी इनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। डन फेल इन लव विद एगर्टन्स नीस एना मोर एंड दे वर सीक्रेटली मैरिड जस्ट बिफोर क्रिसमस इन 1601 अगेंस्ट द विशेस ऑफ बोथ एगर्टन एंड एनास फादर जॉर्ज मोर। ठीक है, एना के फादर कौन थे, तो ये भी ध्यान रखना है जॉर्ज मोर थे। दिस वेडिंग रियून डर्न्स करियर गेटिंग हिम डिसमिस्ड एंड पुट इन फ्लीट प्रिजन अलॉन्ग विद द चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रिस्ट सैमुअल ब्रूक। ठीक है, सैमुअल ब्रूक के साथ में ये फ्लीट प्रिजन में रहते हैं। आगे, डन वाज रिलीज्ड शॉर्टली देयर आफ्टर व्हेन द मैरिज वाज प्रूव्ड टू बी वैलिड। ठीक है, बाद में मैरिज को वैलिड करा दिया जाता है और ये छूट जाते हैं। पहले इनवैलिड क्यों था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि एना मूर जो थी वो नाबालिग थी उस समय तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके MCQs हैं, इनसे रिलेटेड जो भी हमने इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट दिया है, व्हाट वाज जॉन डन्स फादर्स ऑक्यूपेशन। जॉन डन के जो फादर थे यानी कि जॉन डन सीनियर, तो जॉन डन सीनियर का क्या ऑक्यूपेशन था, वो प्रिस्ट थे, आयरन मॉन्गर थे, लॉयर थे, फिजिशियन थे, तो इनका प्रोफेशन क्या होता है। यस, ही वॉज आयरन मॉन्गर, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट वॉज डन्स रिलीजियस अपब्रिंग, रिलीजियस अपब्रिंग या फिर हम कहें कौन से धर्म से बिलोंग करते थे, तो ध्यान रखना है इनका जन्म कहाँ हुआ था, एक कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच यूनिवर्सिटी डिड जॉन डन अटेंड, शुरुआत में जॉन डन कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड करते हैं या मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, नन, तो शुरुआत में आप ध्यान रखना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन लेते हैं, उसमें भी कौन सा कॉलेज था, हार्ट हॉल कॉलेज। ठीक है, आगे चलते हैं, वेयर डिड जॉन डन ट्रैवल टू आफ्टर यूनिवर्सिटी, कहाँ ये ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के बाद में, इटली एंड स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी, नीदरलैंड एंड बेल्जियम, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, तो ये ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं इटली एंड स्पेन में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ जॉन डन्स पोएम, इनमें से जॉन डन पोएम, जॉन डन की जो पोएम्स का पोएटिक कलेक्शन है वो कौन सा है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, होली सोनेट्स, पोएम्स, ऑल ऑफ द अबव, तो सारे इनके फेमस कलेक्शन है, ये सारे ही पोइट्री कलेक्शन है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जॉन डन्स ऑक्यूपेशन आफ्टर हिज कन्वर्जन इन एंग्लिकनिज्म, जब ये कैथोलिक से एंग्लिकल बन जाते हैं तो अब इनका क्या प्रोफेशन रहता है, क्या ऑक्यूपेशन रहता है, प्रेस्ट बन जाते हैं, लॉयर हैं, फिजिशियन हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो ये सरमन मतलब उपदेश देते हैं ना जगह जगह जाकर, तो ये प्रिस्ट बन जाते हैं, ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रिस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु डिड जॉन डन सर्व एज चैपलिन टू, मतलब एज अ चैपलिन कहाँ पर अपॉइंट होते हैं, ये किसके चैपलिन होते हैं, किंग जेम्स फर्स्ट,
क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, प्रिंस चार्ल्स, या फिर आर के बिशप्स ऑफ कैंटरबरी? यस, राइट आंसर है यहाँ पर किंग जेम्स फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज जॉन डन्स वाइफ? जॉन डन की वाइफ कौन थी? एना मूर, एलिजाबेथ ड्रोरे, या फिर लूसी हेस्टिंग्स, या नन ऑफ द अबव? तो आपको ध्यान रखना है एना मूर, जिनके फादर का नाम क्या होता है, जॉर्ज मूर, और जो अंकल होते हैं इनके, जिनके यहाँ पे ये वर्क करते हैं, जॉन डन वर्क करते हैं, वो कौन होते हैं? एगल्टन, ठीक है, थॉमस एगल्टन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड जॉन डन हैव? जॉन डन के कितने बच्चे थे? तो ये चीज मेंशन करके दी गई है स्पेशली कि इनके कितने बच्चे होते हैं, 12, ठीक है, कितने बच्चे थे, 12। आप देखोगे एना मूर के बारे में कहा गया है कि एना मूर की मृत्यु कैसे होती है, तो इनकी मृत्यु 12वें बच्चे को जन्म देते हुए होती है। कहा गया है शी डाइड शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ टू 12th चाइल्ड ऑन 15 अगस्त 1617। ध्यान रखना है 15 अगस्त 1617 को इनकी मृत्यु हो जाती है एना मूर की, 12वें बच्चे को जन्म देने के बाद। तो टोटल बच्चे कितने हैं इनके, 12। नेक्स्ट इज वॉट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉन डन्स मेटाफिजिकल पोएट्री? जॉन डन की जो मेटाफिजिकल पोएट्री है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन है सिंपल लैंग्वेज एंड इमेजरी, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, इमोशनल इंटेंसिटी एंड पर्सनल थीम्स। यस, सारे ही मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाफिजिकल पोएट्री के, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट डिड एना डन डाई, सॉरी व्हेन डिड एना डन डाई, मतलब एना डन की मृत्यु कब हुई? 1612, 1614, 1719। तो अभी हमने डिस्कस किया 15 अगस्त 1617 में, ओके, 12वें बच्चे को जन्म देने के बाद में। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच पोएट्रिक डिवाइस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन डांस पोएट्री? जॉन डन की पोएट्री में वो कौन सी पोएट्रिक डिवाइस है जिसका बार 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 यूज किया गया है? ऑप्शन है सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन। व्हाट वाज द राइट आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज मेटाफर। बहुत ज्यादा मेटाफर्स का यूज किया इन्होंने, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेटाफर्स का यूज किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इनकी पोएम्स में। आगे व्हाट थीम इज एक्सप्लोर्ड इन डन्स पोएम द फ्ली? जॉन डन की जो पोएम होती है द फ्ली, इसकी थीम क्या है? लव एंड रिलेशनशिप, मोर्टैलिटी एंड ट्रांजियंस, फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स एंड पावर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये इरोटिक थीम पर बेस्ड है इनकी जो पोएम है ये फ्ली, ठीक है, और इसकी जो थीम है वो है लव एंड रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच पोएम बाय डन एड्रेस इज द थीम ऑफ मोर्टैलिटी? जॉन डन की वो कौन सी पोएम है जो जिसकी जिसकी थीम है मोर्टैलिटी, थीम ऑफ मोर्टैलिटी पर बेस्ड है वो? ऑप्शन है होली सोनेट, द सन राइजिंग, द नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डेज, अ वेलिडिक्शन फॉर बेडिंग मॉर्निंग। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोर्टैलिटी की, तो इसकी ये जो पोएम है इसकी थीम है ये मोर्टैलिटी, अ नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डेज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन व्हाट सेंचुरी डिड जॉन डन लिव? कौन सी सेंचुरी में रहे? 16th, 17th, 18th, 19th। जैसे कि हम जानते हैं इनका जन्म कब हुआ, 1572, तो इसको आप 16th सेंचुरी भी मान सकते हो, है ना। इनकी मृत्यु कब होती है? 1631 में होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो वर्क थे ना इनके 16 में, ज़्यादातर ये प्रसिद्धि जो पाई इन्होंने 1631 में, मतलब 17th सेंचुरी में पाई। तो हाँ, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डोमिनेंट रिलीजियस फेथ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग डन्स लाइफ टाइम? बताइए डन के जीवन काल में कौन सा वो रिलीजियस फेथ था जो डोमिनेट कर रहा था इंग्लैंड में? कैथोलिज्म,
एंग्लिकनिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, प्यूरिटनिज्म। तो आप जानते हैं उस समय पर क्या चल रहा था, ज्यादा कैथोलिज्म का विरोध किया जा रहा था। राइट आंसर हो जाएगा एंग्लिकनिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पोएटिक फॉर्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डंस होली सोनेट। जॉन डन का जो वर्क है होली सोनेट, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हो, टाइटल देख रहे हो, उससे ही आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, सोनेट्स लिखे गए हैं, है ना। तो राइट आंसर यहां पर क्या है, सोनेट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो होली सोनेट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें कुछ पॉइंट हैं, उनको नोट डाउन कर लेंगे आप। जैसे कि होली सोनेट 10 जो है, होली सोनेट नंबर 10, ठीक है, होली सोनेट नंबर 10 जो है वो, उसका नाम क्या है वो भी ध्यान रखना है। वो बहुत ही फेमस पोएम रही है इनकी, तो उसको ध्यान रखना है, डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये होली सोनेट नंबर 10 है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हूज पोएम इज द कैनोनाइजेशन। किसकी पोएम है ये, द कैनोनाइजेशन? टीएस एलियट, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, शेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फेमस पोएम है द कैनोनाइजेशन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, द कैनोनाइजेशन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये पहली बार कब पब्लिश होती है द कैनोनाइजेशन जो पोएम है, 1633, 1634, 1535, 1636? Yes, the right answer is 1633, option number A is the correct answer. Moving to the next question. और ध्यान रखना posthumously पब्लिश हुई थी, ठीक है, क्योंकि इनकी मृत्यु तो 1631 में ही हो जाती है, उसके बाद 1633 में the canonization पब्लिश हुई थी। इनफैक्ट इनका पोएटिक कलेक्शन poems भी आया था। The canonization has 5 stanzas. जो कैनोनाइजेशन पोएम है उसमें टोटल 5 स्टेंजास हैं। हर स्टेंजा में कितनी लाइंस हैं, 7 लाइंस ईच, 9 लाइंस ईच, 10 लाइन ईच, या फिर 8 लाइंस ईच, बताइए कितनी लाइंस का स्टेंजा है इसमें द कैनोनाइजेशन में। यस, राइट आंसर है 9 लाइंस स्टेंजा। आप कह सकते हो स्पेंसेरियन स्टेंजा का यहां पर यूज किया गया है, 9 लाइंस स्टेंजा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन डन इज, जॉन डन का अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो क्या है, अ पोएट एंड क्लर्क, एन एसिस्ट, अ म्यूजिशियन, अ सिंगर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, अ पोएट एंड क्लर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, जॉन डन एंड अडन अंडन, स्टेटमेंट देखना है आपको, जॉन डन एनाडन अंडन, क्योंकि इनकी जो मैरिज थी ना वो बहुत ही अनसक्सेसफुल रही। 1617 में तो इनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ऊपर से 12 बच्चे, ठीक, तो मतलब ये इनकी जो मैरिज रही है ना वो बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल रही। शुरुआत से जैसे इन्हें चोर छुपे शादी की थी, उसके बाद में इन्हें जेल भी जाना पड़ा, तो उसके बाद में ये स्टेटमेंट है, जॉन डन एनाडन अंडन, ठीक है, आर द वर्ड्स रिटन बाय डन, ये वर्ड जो है वो रिटन किए गए हैं, लिखे गए हैं डन के द्वारा। हु राइट्स टू हिज वाइफ अबाउट लूजिंग, जो अपनी वाइफ के लिए लिखता है अबाउट लूजिंग, लूजिंग व्हाट, यहां पर फिलिप्स की तरह है, लूजिंग क्या, लूजिंग हिज मेमोरी, मेमोरी, या फिर लूजिंग हिज पास्ट, पोस्ट होगा यहां पे, सही है, लूजिंग हिज पोस्ट, लूजिंग हिज डॉल, लूजिंग हिज लव। ये स्टेटमेंट बेसिकली ये कहा गया है कि क्या चीज उनसे छिन जाती है जिसके बाद ये स्टेटमेंट देते हैं जॉन डन, जॉन डन एनाडन अंडन। तो ऑब्वियस ही बात है, जब इनकी सेक्रेटरी की पोस्ट इनसे छीन ली जाती है ना, तब, ठीक है, कौन सी पोस्ट, लूजिंग हिज पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डन्स वाइफ गेव बर्थ टू, जॉन डन की वाइफ यानी एना डन जो थी, उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया, 12 चिल्ड्रन इन 16 ईयर्स ऑफ मैरिज,
10 चिल्ड्रन इन 16 ईयर्स ऑफ मैरिज, जैसे कि चिल्ड्रन के नंबर्स आप जान ही चुके हो तो ये कट हो सकता है, 16 चिल्ड्रन इन 16 ईयर्स ऑफ मैरिज, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 12 चिल्ड्रन इन 16 ईयर्स ऑफ मैरिज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन रोट बाय थैनेटोस बट डिड नॉट गेट इट पब्लिश। जॉन डन ने ये वर्क लिखा, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक प्रोज वर्क है, बाय थैनेटोस जो है, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा, बाय थैनेटोस ये एक प्रोज वर्क है, इसको लेकिन इन्होंने लिखा तो था प्रोज वर्क, लेकिन इसको पब्लिश नहीं कराया था। और इस वर्क के अंदर इसमें यहाँ पूछा जा रहा है, ये वर्क भी पॉस्थिमसली पब्लिश हुआ था, पहली चीज इसमें यह पूछा जा रहा है, ही गिव्स पॉइंट्स इन फेवर ऑफ, इसमें ये किस चीज के फेवर में पॉइंट्स देते हैं, इस वर्क में किस चीज के फेवर में इन्होंने बात की है, लव के फेवर में, फ्रेंडशिप के फेवर में, या फिर हेट्रेड के फेवर में, या सुइसाइड के फेवर में? तो ध्यान रखना है, बाय थैनेटोस जो कि इनका एक प्रोज वर्क है, इसमें ये सुसाइड के फेवर में बात करते हैं कि सुसाइड अच्छी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, डन्स वाइफ डाइज 5 days after giving birth to the 12th stillborn child. Dunn writes a poem about this loss in. देखिए, कहा जा रहा है कि डन की जो वाइफ थी, एना डन जो थी, वो अपने 12वें बच्चे, जो 12वां बच्चा हुआ था वो स्टिल बॉर्न हुआ था, उसके 5वें दिन, उसके जन्म के 5वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसके याद में, उनके खोने के दुख में, ये एक सोनेट लिखते हैं, एक पोएम लिखते हैं। वो कौन सा सोनेट है? 17th होली सोनेट है, 18th होली सोनेट है, 19th होली सोनेट है, या फिर 20th होली सोनेट है? ध्यान रखना है, राइट आंसर है यहां पर 17th होली सोनेट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 17वां जो होली सोनेट है वो इसी चीज के बारे में। नेक्स्ट इज, डन राइट्स अ पोएम, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, डन राइट्स अ पोएम इन मेमोरी ऑफ एलिजाबेथ ड्रॉरे इज द डॉटर ऑफ हिज पैट्रन सर रॉबर्ट ड्रॉरे, द नेम ऑफ द पोएम इज। जॉन डन जो थे वो अपने पैटर्न सर रॉबर्ट ड्रॉरे की डॉटर, जिनका नाम था एलिजाबेथ ड्रॉरे, उनकी याद में एक पोएम लिखते हैं, उस पोएम का नाम क्या है? ऑप्शन है, द फ्ली, An anatomy of the world, the canonization, death be not proud. तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एलिजाबेथ ड्रॉरे की याद में इन्होंने जो एलिजी लिखी है वो कौन सी है? An anatomy of the world. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, An anatomy of the world. नेक्स्ट इज, विच नॉवल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे, ध्यान रखना, ये इंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से जब दो राइटर आपस में क्लैश करते हुए या मिलते जुलते दिखते हैं तो उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। विच नॉवल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द लाइन ऑफ डन्स मेडिटेशन, और मेडिटेशन नंबर कौन सा है यहां पर? नंबर इज 17। बताइए वो कौन सी, मतलब वो लाइन है डन की जो मेडिटेशन नंबर, मेडिटेशन 17 में जो लाइन है वो कौन सी लाइन है जिसका, मतलब वो लाइन जिसका उपयोग अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने कौन से वर्क में किया है, ठीक है। जॉन डन का के एक मेडिटेशन नंबर 17 से इन्होंने एक लाइन ली है, उस लाइन का उपयोग अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने कौन से वर्क में किया है? ऑप्शन है, फॉर होम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। तो ध्यान रखना है, यहां से जो उन्होंने लाइन ली है वो है फॉर होम द बेल टोल्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अपने इस वर्क में उसका इस्तेमाल किया है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। नेक्स्ट इज, नो मैन इज एन आइलैंड, No man is an island is a line from John Donne. One writer has taken this line as title. Who is the writer? अब ये भी लाइन जो है वो जॉन डन की है, No man is an island.
ठीक है। अब एक राइटर आते हैं, वो इस लाइन को ले लेते हैं। वो कौन से राइटर हैं? थॉमस मर्टन, थॉमस ग्रे, थॉमसन या फिर मार्बल? बताइए उन राइटर का नाम क्या है। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है थॉमस मर्टन। थॉमस मर्टन वो राइटर हैं जो इस लाइन को मतलब यहां से लेते हैं। थॉमस मर्टन, नो मैन इज एन आइलैंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ लव पोएम बाय डन। जॉन डन के द्वारा लिखी गई जो लव पोएम्स हैं उनमें से, मतलब यहाँ पे बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सी नहीं है। गुड मॉरो, इज इट अ लव पोएम और नॉट, द सन राइजिंग, द डेफिनेशन ऑफ लव, ट्विंकलहम गार्डन। तो देखिए जिसके नाम में लव आ रहा है वही लव पोएम नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ लव इज नॉट अ लव पोएम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, द सॉन्ग्स एंड सोनेट कंटेन हाउ मैनी लिरिक्स, जो कि 1633 में पब्लिश हुआ सॉन्ग्स एंड सोनेट, ये भी एक पोएटिक कलेक्शन है, इसमें टोटल कितनी लिरिक्स हैं, या कह सकते हो कितनी शॉर्ट पोएम्स हैं? 52, 53, 54, 55। वॉट इज द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 55। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आप कोई सजेशन करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, कमेंट्स ओपन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।